नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक क्राइसिस के बारे में। येस बैंक क्राइसिस के बारे में बात करने के साथ साथ हम आपको भारत के बैंकिंग सेक्टर के इतिहास, जो कि 1947 से अब तक का इतिहास है, उसको बताएंगे। साथ ही साथ उस इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़कर दिखाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पर लाई करती है। साथ ही साथ इसी मुद्दे से जुड़े और अन्य एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। दोस्तों, भारत की बैंकिंग के इतिहास पर जाने से पहले थोड़ा सा येस बैंक का इतिहास हम जान लेते हैं। तो येस बैंक की शुरुआत होती है साल 1999 में, जब तीन बैंकर एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को खोलते हैं। जो तीन लोग एनबीएफसी कंपनी शुरू करते हैं, वो तीनों ही बैंकिंग सेक्टर के बड़े नाम होते हैं। अशोक कपूर होते हैं कंट्री हेड एबीएन एमरो के, हरकिरत सिंह कंट्री हेड होते हैं ड्यूच बैंक के, और साथ ही साथ राणा कपूर जो होते हैं वो फाइनेंस हेड होते हैं एएनजी ग्रैंड लेज बैंक के। फिर आता है साल 2003। साल 2003 में ये एनबीएफसी कंपनी एक फॉर्मल बैंक का रूप इख्तियार कर लेती है और नाम रखा जाता है येस बैंक। बैंक के 25% शेयर इन तीन पार्टनर्स के पास होते हैं, वहीं 75% शेयर होते हैं राबो बैंक के पास। राबो बैंक की कुछ बातें, कुछ डिमांड्स हरकिरत सिंह को पसंद नहीं आती हैं, तो वो साल 2004 में बैंक से रिजाइन कर देते हैं। अब बचते हैं बैंक के दो पार्टनर। साल 2008 आता है। साल 2008 में मुंबई टेरर अटैक में 26/11 को अशोक कपूर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बचता है बैंक का केवल एक पार्टनर। राणा कपूर इस बैंक के अब मुखिया हो जाते हैं। अब इसके बाद काफी सास बहू यहां पर होता है, उसके अंदर नहीं जाते हैं, बात करते हैं मुख्य इशू की। यस बैंक जो भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, और इस बैंक का 2.25 लाख करोड़ का एक्सपोजर है, वहीं इसके ऊपर जो एनपीए अब आ चुका है वो है 42,000 करोड़ रुपए का। अब इस 42,000 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए का जो एनपीए है वो राणा कपूर के आदेश पर लोन दिया गया था, उससे बना है। और अलेजिडली ये भी कहा जा रहा है कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनको बाईपास करके इस लोन को दिया गया था। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा राणा कपूर की कुछ शेल कंपनीज थी जिनको पकड़ लिया गया है, जिन ग्रुप्स को लोन दिया गया और जो बाद में एनपीए बन गया, वो सभी वो ग्रुप्स थे जिनकी मार्केट में अच्छी हालत नहीं थी। जिनमें से 12,000 करोड़ रुपए का जो लोन था वो अनिल अंबानी की कंपनी को दिया गया, और अगर अनिल अंबानी की माने तो अनिल अंबानी का कहना है कि भैया येस बैंक का जो पैसा है वो सेफ है, वो वापस पूरी तरीके से किया जाएगा। बीजेपी एमपी सुभाष चंद्रा का एसएल ग्रुप, डीएचएफएल, आईएलएनएफएस, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको लोन दिया गया था, लेकिन इन सभी कंपनीज की जो मार्केट की हालत थी वो पहले से ही बेहुदा चल रही थी। रघुराम राजन 2013 से 2016 के बीच में आरबीआई के गवर्नर थे, और इसी बीच में हर एक बैंक की पोल खुलनी शुरू हो चुकी थी कि भैया कौन सा बैंक कितने पानी में है। जब रघुराम राजन हटे तो उसके बाद आए उर्जित पटेल, और वो रघुराम राजन से भी ज़्यादा हार्श थे इस मामले में कि एनपीएस किसी बैंक में ना हो, और जो हो वो पूरी तरीके से पता चले। अब येस बैंक अपना जितना एनपीए है वो हर साल घोषित करता था, लेकिन आरबीआई जो थी वो इस मामले को देखती थी और उनके हिसाब से जो एनपीए बनता था येस बैंक का उसमें डिफरेंस आता था, हर साल ये डिफरेंस बढ़ता जाता था। तो इसके बाद से पिछले 5 साल से येस बैंक आरबीआई की स्क्रूटनी के अंदर है। साल 2018 में पिनलाइज किया जाता है राणा कपूर को, और साल 2019 में राणा कपूर अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं, जो कि एक साल पहले तक ये कह रहे थे कि भैया मैं अपने ग्रैंडसन्स को भी ये शेयर्स दूंगा। उसके बाद राणा कपूर को बर्खास्त कर दिया जाता है और अब राणा कपूर है ईडी के अंडर। अब दोस्तों आते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल पे कि क्या येस बैंक डूबेगा, क्या लोगों के पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। आरबीआई ने 50,000 रुपए का मोरेटोरियम तो लगा दिया है, यानी कि एक कैप लगा दिया है कि आप एक बारी में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अब इसके बाद सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या येस बैंक डूबेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं डूबेगा, क्योंकि एसबीआई ने इसका संज्ञान ले लिया है और एसबीआई इसमें अपना पैसा लगा रही है। 49% जो स्टेक्स है वो एसबीआई खरीद रही है। अब दोस्तों एसबीआई जो है वो येस बैंक को बचाने के लिए टैक्स पेयर्स की मनी को यूज कर रही है, और उसके बाद आपका पैसा येस बैंक में सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक को एक पब्लिक सेक्टर का बैंक लोगों के पैसे से क्यों बचा रहा है।
right? Now you're busy spending your money trying to save Axis Bank. You're taking money of, Yes Bank. You're taking money of legitimate people from the State Bank of India and you're giving it to save this bank. अब दोस्तों सरकार एक लिस्ट बनाती है डीएसआईबी की यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की. ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो बैंक्स होते हैं ये बैंक्स अगर कभी किसी खस्ता हालत में जाते हैं तो सरकार इंटरवीन करती है इनको बचाने के लिए. यस बैंक उसी एक श्रेणी में आता है. इस वजह से सरकार को इंटरवीन करना जरूरी है. अब दोस्तों बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के इतिहास की और साथ ही साथ करंट सिचुएशन को समझने की भी कोशिश करेंगे. तो क्या दोस्तों आपको ये लगता है कि अचानक से एनपीए की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, अचानक से बैंक्स में टर्मोइल आना शुरू हो गया, उससे पहले सब कुछ बैंकिंग सेक्टर में सही हुआ करता था? तो जी रही आप बिल्कुल गलत है अगर आपको ऐसा लगता है. तो साल 1947 से साल 1969 के बीच में 559 यानी कि 559 बैंक्स टर्मोइल से गुजरे और बंद हो गए. साल 1969 से साल 2008 के बीच में 36 प्राइवेट बैंक बंद हो गए. साल 2004 से साल 2008 के बीच में ऐसे 10 बैंक्स हैं जिनको दिवालिया घोषित कर दिया गया जो बंद हो गए. अब दोस्तों यहां पर साल 1969 सबसे इंपॉर्टेंट साल हो जाता है. ऐसा क्या हुआ कि साल 1969 से पहले 559 प्राइवेट बैंक बंद हो गए और साल 1969 के बाद केवल 36 बैंक ही बंद हुए? तो साल 1969 में ऐसा क्या हुआ था उसके बारे में जानते हैं. तो दोस्तों साल 1969 इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने फैसला लिया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया जाएगा और ऐसा करने के लिए 14 बड़े लेंडर्स को चुना गया. अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल हिस्ट्री को पढ़ें तो इस डिसीजन को आज तक का भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन बताया जाता है. अब दोस्तों जानते हैं कि वो क्या कंडीशंस रही कि इस डिसीजन को लेना पड़ा इंदिरा गांधी को लेफ्ट के साथ मिलके. साल 1962 में चीन का युद्ध, साल 1965 में पाकिस्तान से युद्ध और उसके बाद 2 साल का ड्रॉट. उसके बाद भैया भारत की जो इकोनॉमी थी वो चरमरा चुकी थी, फिनेंसेस खत्म हो चुके थे, साथ ही साथ भारत में नक्सलिज्म बढ़े जा रहा था और कांग्रेस के 2 टूक हो चुके थे. रुपया काफी कमजोर था और रुपये को जानबूझकर भी कमजोर किया जा रहा था ताकि इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हो जाए. और उसके बाद ये ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है इंदिरा गांधी और लेफ्ट पार्टीज के द्वारा मिलकर. अब ऐसा करने के इमीडिएट बाद कुछ पॉजिटिव्स दिखाई देने लगे. फिनेंसेस एकदम से 2 गुने हो चुके थे और गवर्नमेंट को अब मोबिलाइज फंड्स की चिंता करने की जरूरत नहीं रह गई थी. जिन सेक्टर्स में फंड्स को पुश करवाना होता था उन सेक्टर्स में बैंक के द्वारा फंड्स को पुश करवाया जाता था. एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा दिया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जो बड़े बिजनेसेस थे उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया था. और शायद इंदिरा गांधी ये चाहती भी थी क्योंकि जो बड़े बिजनेसेस थे वो उनके विरोधियों के साथ थे. इंदिरा गांधी ने अपने पार्लियामेंट की स्पीच में कहा कि बैंकों को स्वायत्त रखा जाएगा, बैंक्स अपने हिसाब से चल सकेंगे और बैंक्स को केवल कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि वो कुछ गाइडलाइंस का मतलब ये होगा कि जो भी गवर्नमेंट कहेगी वो बैंक्स को करना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट की बात को ना माने तो भैया उसको रिजाइन करना पड़ेगा. जैसे 1976 में लेजेंडरी आर के तलवार को एसबीआई के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ा. देखते ही देखते बैंक सरकार की गिरफ्त में जाने लगे और ये जो आप बैड लोन्स या एनपीएस आज की डेट में देखते हो ये इसी का किया धरा है. आपने बीते दिनों में जो न्यूज सुनी होंगी वो ये सुनी होंगी कि राहुल गांधी ने मेहुल चौकसी को लोन देने के लिए कहा या फिर फलाने पॉलिटिशियन ने ढिमकाने बिजनेसमैन को लोन देने के लिए कहा. तो इस तरीके की जो बातें हैं ये बैंक मानता है, पॉलिटिशियंस की बातें बैंक मानता है और फिर इस तरीके की चीजें ये बैड लोन्स हो जाते हैं. जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं वैसे ही नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के भी 2 पहलू थे. एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था और नेगेटिव फेस आज आपके सामने एनपीए के रूप में खड़ा हुआ है. अगर यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने मात्र 6 सालों के अंदर यानी कि साल 2011 तक मिनिस्ट्रीज के साथ या फिर गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे रॉबस्ट रिलेशनशिप्स बना लिए थे. गवर्नमेंट की 300 एंटिटीज ऐसी थी जिनके साथ यस बैंक के बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके थे. वहीं साथ ही साथ यस बैंक जो है वो यूनियन मिनिस्ट्रीज को फिनेंशियल और इकोनॉमिकल एडवाइसेस भी दे रहा था. प्रियंका गांधी की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया इसका जवाब भी ईडी ढूंढ रही है. वहीं दूसरी ओर
पी चिदंबरम इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो लोन बुक है वो 2014 के बाद यानी कि मोदी सरकार के आने के बाद ही येस बैंक की क्यों इतनी बढ़ी। और दूसरी ओर अगर निर्मला सीतारमन या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि भैया जितने भी लोन एनपीए बने हैं वो सभी लोन यूपीए के कार्यकाल में दिए गए थे। वहीं दूसरी ओर रघुराम राजन का कहना है कि भैया आरबीआई ने येस बैंक मामले में ढिलाई बरती, अगर ढिलाई ना बरतते तो इस सिचुएशन को पहले ही टैकल किया जा सकता था। अब जानते हैं कि क्या भैया रिजर्व बैंक ने एक्चुअली ढिलाई बरती या कुछ और कारण था। तो भैया इसमें आरबीआई का कहना है कि आरबीआई मार्केट लेड सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। आरबीआई ने येस बैंक को कहा था कि भैया आप जो है फंड्स अरेंज कीजिए। जब फंड्स अरेंज करने में येस बैंक नाकामयाब हो गया तो उसके बाद आरबीआई ने इस तरीके के डिसीजंस लिए और उसके बाद ही एसबीआई जो है वो इंटरवीन अब कर रहा है, शेयर्स को खरीद रहा है। अब जैसा रघुराम राजन कह रहे हैं कि भाई पहले क्यों नहीं इंटरवीन किया, तो ये जानते हैं कि भाई अगर आरबीआई पहले इंटरवीन करता तो क्या होता। तो दोस्तों अगर आरबीआई पहले इंटरवीन करता तो उसको सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप इस तरीके से इंटरवीन करते हैं तो आपको पिछले 6 महीने का जो एवरेज है शेयर प्राइस उस हिसाब से बनाया जाएगा और उसके बाद ही आप उस शेयर प्राइस पे शेयर्स को बेचेंगे। अब वो शेयर प्राइस इतना ज़्यादा होता कि कोई भी बायर उसको खरीद ना पाता, वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। वहीं बहुत सारे पीएनबी बैंक के अकाउंट होल्डर्स का कहना यह है कि भाई आरबीआई जो है वो येस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है उसको बचाने के लिए तो इतनी तत्परता दिखा रही है, जबकि हमारा यानी कि कोऑपरेटिव बैंक जो था, पीएनबी बैंक जो था, वो एक सरकारी बैंक था, उसको बचाने के लिए इतनी तत्परता आरबीआई ने नहीं दिखाई। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों देश के कानून के हिसाब से ही सारी चीज़ें की जाती हैं। बैंकिंग एक्ट जो था वो कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर लागू नहीं होता था। साल 2020 में बैंकिंग एक्ट को कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी लागू किया गया है और उसके बाद अब आरबीआई इंटरवीन कर सकती है। इससे पहले आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक्स में इंटरवीन नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर एक सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि भाई ये जो NPAs रोज बढ़ रहे हैं, क्या केवल ये बढ़ ही रहे हैं या घट भी रहे हैं, कुछ रिकवरी भी की जा रही है? तो दोस्तों 1,79,711 करोड़ रुपए अभी तक रिकवर कर लिए गए हैं जो कि NPAs की रिकवरी है। वहीं साथ ही साथ 2,30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है और उसको जब्त करने के बाद उनको बेचा जाएगा, जो पैसा आएगा उससे भी NPA की रिकवरी की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस हमने इसमें आंसर करने की कोशिश की है, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें patreon.com पर सपोर्ट ज़रूर कीजिए। पेट्रॉन का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट में मिल जाएगा। ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में दिख जाएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।